वेलकम टू जेएनटी न्यूज़ सर, आपके मिशन महर्षि आज़ाद के बारे में बताइए। हम लोग जो मुख्य तौर पर काम करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं भारत के बाहर भी, और जिन क्रिकेट खिलाड़ियों को मौका आईपीएल में या प्राइवेट जगह नहीं मिल पाता, उनको उनके डेवलपमेंट काम करते हैं। यानी गांव के छोटे छोटे स्थानों से, छोटे विलेजों से हम खिलाड़ी पैदा करते हैं, उसको मौका देते हैं। तो महर्षि आज़ाद क्रिकेट चैम्पियनशिप उसकी बुनियाद में यही चीज़ है। और संस्कृत जो हम ब्रह्मास्त्र के लिए हम जो फिल्म बनाई है, वो नेटफ्लिक्स के माध्यम से हम ब्रह्मास्त्र को घोष कर दिया है। बाहर बाहर के लंदन हो, यूरोप हो, या दुबई हो, या सिंगापुर, हर जगह जाने की विचार प्रचार किया है। भारतीयता निश्चित गोले गोले पहुँचे, ये हमारा विचार है। भगवान के पास सफल भी है। भारत में भी भारत भी संस्कृत को लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजना लोगों में है और लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह भी। आप पर्सनली संस्कृत भाषा से इतने कैसे जुड़े हो? मैं बचपन से घोसला लिटरेरी स्कूल नासिक का स्टूडेंट रहा, मिलिट्री अटेंडिंग किया। तो मैं टेंथ के बाद में बाहर आया, फिर ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया उसके आगे में। तो ये रहा कि जीवन में हम करें तो क्या करें, तो व्यापार सभी लोग कर रहे हैं, नौकरी सभी लोग कर रहे हैं, जैसे मिलिट्री में मेरी तैयारी हो गई थी, वैसे जाने की। एक मुझे लगता था वो काम करो जो भारत में जिसकी ज़रूरत है। तो भारत की बुनियाद देवभाषा संस्कृत है। संस्कृत लेकर लोग उत्साह नहीं थे जब शुरुआत की, 10 बार संस्कृत में शुरुआत किया, तो लगा कि संस्कृत के अंदर भारतीयता है और सनातनता जो भारत की बुनियाद आपको पुराना संस्कृत के ऊपर लिए थे। संस्कृत देवभाषा है, देववाणी है, और जितने भी ग्रंथ चाहे यजुर्वेद चारों वेद लिखे हों, चाहे उसके बाद उपनिषद हो, वेदांत हो, वेद हो, एक से एक सूत्र है, चाहे तो सब कुछ संस्कृत में ही लिखा गया। तो संस्कृत को मैं पढ़ूंगा, संस्कृत को जानूंगा, संस्कृत को पहुँचाऊँगा, तो सृष्टि बदलती है, दुनिया बार बार बदलती है, कई चीज़ें होती हैं जीवन में, जैसे आपका आ जाए, जैसे शून्य से मनु ने दोबारा दुनिया बनाई। तो लेकिन संस्कृत शाश्वत रहा है, वो भारत की पहचान क्या विश्व की पहचान थी। तो मैं उस पर काम किया और दुनिया को लेकर पहुँचाने की कोशिश की और सफलता मिली। आप महर्षि आज़ाद आपका मिशन है, गांव के बच्चों तक आप कैसे जुड़े हैं और कैसे आप पहुँचते हो उन तक? पहुँचना तुम्हारी टीम बनी, जैसे मेरे साहित्यिक जीवन शुरुआत में जेएनयू से हुई, जेएनयू बाद काशी विद्यापीठ, महर्षि हिंदू विश्वविद्यालय, उसका सपुरा यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी संस्कृत होती है, कई सौ साल पुरानी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। तो मैं हर जगह जा के संस्कृत प्रचार प्रसार किया। जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारा ब्रह्म वाक्य था, अहम ब्रह्मास्मि, यानी अहम ब्रह्मास्मि अथर्वेद का जो मूल है, यानी हम ही ईश्वर। जब तक हमारे अंदर आत्मा है तब तक भगवान से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए। जैसे आज पानी में कोई मरता है, समुद्र में डूबता है, तो तभी तो डूबता है, तो आत्मा उसकी जब तक रहती है, आत्मा निकल के शरीर बाहर आता है, आत्मा कितनी भारी है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान मिला, तो उसको जान प्रचार प्रसार किया कि संस्कृत देखो, संस्कृत जानो, संस्कृत समझो, संस्कृत में लोग लाभ भी ना, संस्कृत को लाभ भी के दृष्टि में लोग देखते हैं, संस्कृत लाभ तो उसको लगता है, लेकिन अपने बाप दादा की जमीन जायदाद, सोने चांदी गाड़ी और सब चाहिए। तो हमारे भारत की अपने पूर्वजों की जो पहचान है संस्कृत, वो क्यों नहीं चाहिए? तो हमने उस पर काम किया। और भारत के लगभग हर प्रांत में, हर राज्यों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, जो 10 साल 12 साल पहले नहीं था। मणिपुर जैसे यूनिवर्सिटी में, मणिपुर के अध्ययन में भी उनको उन्होंने ऐड किया, वो बड़ी बात है। तो आज संस्कृत को लेकर जो उत्साह, जो रुझान, जो प्रेम लोगों का बढ़ा है, उसके उसको देख के इतनी प्रसन्नता होती है। अपने चीज़ें जानो, भले जीवन को चलाने के लिए हम लोग और भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश करते हो, करो, लेकिन अपनी मूल भाषाओं को जानो, समझो, और उसको जैसे आज की तारीख सत्यनारायण कथा होती है, कथा उनका पंडित 2 घंटे 2.5 घंटे करते हैं और चले जाते हैं, तो आप लोग बैठते भी कितने लोग पता है पंडित ने, पंडित ने क्या कहा, पंडित ने क्या कहा। कोई ब्राह्मण आता है, पूजा करता है, कराता चले जाता है, तो जानो या सत्यनारायण कथा पाठ मत करो, कर रहे हो तो उसके एक एक मर्म को समझो, ये अपनी विचारधारा है। संस्कृत का आप ये प्रचार कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया कैसे स्प्रेड कर रहे हैं? देखो, मैं लंदन गया, जर्मनी में गया, ऑक्सफोर्ड की स्ट्रीट के ऊपर भी मैंने कहा, हनुमान चालीसा गया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, मुझे कामाख्या जाऊँ कि मैं चामुंडा जाऊँ, चाहे वो हर चीज़ को मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। और हर यूनिवर्सिटी बताया, जैसे कि जेएनयू में से मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई, उसके बाद में काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद, हमारा सर यूनिवर्सिटी में जाकर मैंने उसको प्रचार प्रसार के माध्यम से एक हमने गुणवाद पैदा किया, एक उत्तेजना पैदा की, इसकी वजह से आज हम ब्रह्मास्मि एक उद्घोष के रूप में, बड़ी खुशी होती है ईश्वर ने संस्कृत का सेवा करने का मौका दिया, उसमें सफलतापूर्वक लोगों तक पहुँचाने का काम नहीं किया, उसमें सफल भी रहे। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। अभी हम लोग अभी हाल में क्रिकेट की चैंपियनशिप किया, जो भारत में जो जिन लोगों का नहीं मिलता, आज की तारीख में महर्षि आज़ाद क्रिकेट चैंपियनशिप, ये भारत के सबसे बड़े क्रिकेट चैंपियनशिप में से एक है, जो लाखों लोग आते हैं। 20 दिन तक अनगिनत लोग मैदान में थे, लगातार उत्साह वर्धन थे, और गाँव के खिलाड़ियों को पैदा करना, जिनको डेवलप करना, उनको मंच देना कि भाई आज की तारीख में एक प्रकार से भारत का एक धर्म क्रिकेट भी है, तो मैं संस्कृत जैसे पुरातन आदिकाल की भाषा में काम कर रहा हूँ, तो आज की तारीख में आधुनिक जो खेल है उसका, संस्कृत का क्रिकेट, उस पर भी काम कर रहा हूँ।
लोगों को जमीन से उठाना, उनकी प्रतिभाओं को विश्व स्तर पर लाने की कोशिश करना, उस पर लोग काम कर रहे हैं और सफलता उसको अंजाम भी दे रहे हैं। आपका ये मिशन किधर तक मतलब सक्सेसफुल हो रहा है, कितना सक्सेस? सफल है, हर जगह लाखों लोग जुड़ चुके हैं, लाखों लोग काम भी कर रहे हैं। अब हर से ज्यादा क्रिकेट चैंपियनशिप भारत का एक बड़ा क्रिकेट चैंपियनशिप है जो कई सालों से लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लगातार। उसमें अंग्रेज पब्लिक आती है, अंग्रेज लोग आते हैं, और कोई संस्कृत का वो हाल है। मैं चाहे यूरोप जाऊँ, चाहे मैं किसी भी कंट्री में जाऊँ, चाहे लंदन जाऊँ, हर जगह संस्कृत को लेकर जिस तरह हम भाषा को होश करता हूँ मैं, तो समझता हूँ कि हम हर जगह लेके जा रहे हैं। हमको अपनी उनकी चीज़ लेते हैं तो हम अपनी चीज़ देने की कोशिश करते हैं, सफल है। आप ये सारी चीज़ें मतलब दोनों चीज़ें क्रिकेट एंड संस्कृत से इतना आपका लगाव है, ये क्या आप पर्सनली कैसे मैनेज करते हैं? मैं जो जीता हूँ, जो खाता हूँ, पीता हूँ, वही जीवन है। तो उसके अंदर संस्कृत हो गया, क्रिकेट तो मालूम अधिकारी लोग पसंद करते हैं, किधर है तो भारी भारत का खेल तो है, भारत खेल तो कुश्ती है, कबड्डी है, मलखम है, लेकिन लोगों का रुझान उसकी तरफ से है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। मेरे किसी बोलने से मैं कुश्ती करो या कुछ करो तो लोग वहाँ तो उस तरह से नहीं जाएंगे, लेकिन जो जानते हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि उनको भी वो स्थान मिले, अपने आप की प्रतिभा को साबित करें हमारे खेल, हमारे मेहनत और खेल के माध्यम से। आपका